फाइनली हम प्रतापगढ़ एग्रो टूरिज्म फार्म के लिए निकल चुके बाई बस। कुछ घंटों का सफ़र करने के बाद हम प्रतापगढ़ पहुँचे। वहाँ पर हम लोगों का स्वागत ढोल बाजे के साथ किया गया। गेट के अंदर एंट्री करते ही हम लोग पहुँचे गेम जोन में। गेम जोन में बहुत सारे गेम प्ले करने के बाद हम निकले अपने अगले टारगेट एग्रीकल्चर जोन में, जहाँ पे सबसे पहले हमें फूलों के गमले दिखे जो बहुत ही सुंदर लग रहे थे। उसके बाद हम लोग को चारपाई मिल गई, उस पर थोड़ी देर तक आराम किया। आराम करने के बाद हम सर्वे पे निकले। सर्वे पे जो ही हम आगे बढ़े होंगे कुछ कदम, तब तक हमें मिल गए खरगोश। फिर क्या, हम लोगों ने खरगोश के साथ सेल्फी ली। जो ही हम आगे बढ़े हमारी मुलाकात हुई शुतुरमुर्ग से। शुतुरमुर्ग जितना बड़ा पक्षी उतना ही बड़े बड़े उसके अंडे थे। वहाँ से हम निकले ही थे कि हमें एक झूला दिख गया। फिर क्या था, हम लोगों ने लपक के झूले बैठा और झूले का फुल इंजॉय लिया। इतना घूमने के बाद हम लोगों को लग गई भूख। इतने में हमें मक्के की रोटी और बाजरे की रोटी विद चटनी के साथ मिला, जो बहुत टेस्टी था। नाश्ता करने के बाद हम अगले गेम जोन में पहुँचे। वहाँ पे हम अपने फ्रेंड के साथ कैरम खेले। कैरम खेल के बहुत आनंद आया। इसके बाद क्या था, नाश्ता हुआ, गेम खेल लिए। हमने काउंटर से पानी की बोतल उठाई और ढक्कन खोला, उसके बाद पानी गटर गटर करके पिया। पानी पीते ही मानो शरीर में एक अलग सी एनर्जी आ गई। फिर हम वहाँ से फ्रेश मूड में आगे बढ़े ही थे कि हमने देखा बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। वहाँ जाके देखा तो रोपवे वाले झूले के लिए लाइन लगी हुई थी। हम भी कतार में लग गए और आखिरकार हमने इस झूले का भी आनंद लिया, जो बहुत अच्छा लगा। आखिरकार घूमते घूमते हम पहुंच गए मैजिक मिरर हॉल में। वहाँ पे अलग अलग तरह के हमने अपनी इमेज बनाई। इतना सफ़र करने के बाद आखिरकार हम अपने फाइनल स्टेज तक पहुंच चुके हैं, जहाँ हमारा प्रोग्राम होने वाला था। फाइनली सारा प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद हम वापस बाई बस अपने घर की तरफ निकल पड़े।